नमस्कार दोस्तों, BEL के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.8% के क्लियर आपको गिरावट नज़र आ रहे। तो उसी के साथ आप देख सकते हो कि रेड कैंडल में आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, आज की कैंडल के रेड कैंडल बनाया। तो पिछले कई दिनों से भी स्टॉक में लगातार यहाँ पर रेड कैंडल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल आ रहा है, क्या स्टॉक में यहाँ पर गिरावट आएगा या स्टॉक में तेजी आएगा, तो क्या कंडीशन बनेगा, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में क्लियरली सब कुछ। जैसे वो सब देख रहे हो कि BEL शेयर स्टॉक अप एग्जैक्टली यहाँ पर एक हायर है कि कंडीशन बना के स्टॉक ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसी के साथ साथ आप देख सकते हो स्टॉक ने यहाँ पर हाई लगा 339 को। मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए लेके चलूँगा वीकली टाइम फ्रेम पर। जब हम वीकली टाइम फ्रेम पर भी चार्ट को देख रहे हैं तो आप देख सकते हो स्टॉक क्लियरली अपना प्रीवियस के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको लेकर आया हूँ डेली टाइम फ्रेम पर। जब डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखते हैं तो ये एक सपोर्ट लेवल है 240 का और एक सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर 281, राइट। दोनों सपोर्ट लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों थोड़ा सा अगर आप ये भी ध्यान देंगे, जैसे कि आप देख रहे हो कि स्टॉक आप एग्जैक्टली इस तरीके से डाउन टर्न में भी कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक बार बार हमारा इसी ट्रेल लाइन को रेजिस्टेंस बना के नीचे सपोर्ट ले रहा है और इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो इसी कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम संभावना आपको ये दिखाई देगा कि जैसे स्टॉक इस ट्रेल लाइन को ब्रेकआउट करेगा, स्टॉक अपना 339 का जो लेवल है उसको हिट करेगा, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस है। अभी के लिए आप देखेंगे 309 का एक रेजिस्टेंस लाइन है और एक रहेगा 326 का रेजिस्टेंस लाइन। सपोर्ट लेवल तो आपके सामने 281 का है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है जो कि 290 रुपये का, आप इस पर भी ध्यान रख दे सकते हो। सो दोस्तों अभी की कंडीशन के हिसाब से जैसे कि आप देख रहे हो, अगर ये स्टॉक इस तरीके से मूवमेंट बनाए और ये इन दोनों लेवल को हिट करेगा और अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो गिरावट भी आ सकता है और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपके सामने 240 का है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर सभी कंडीशन को मैंने एक्सप्लेन किया। स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ बनाएगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।